नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में बीती रात एक सेमिनार का आयोजन किया गया। रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एएसएपी टेक आईटी सॉल्यूशंस के साझा प्रयास से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में रानीगंज के व्यापारियों को ई इनवाइस, ई वे बिल और ऑडिट ट्रेल के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। संदर्भ में रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी ने बताया कि रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा क्षेत्र के व्यापारियों की उन्नति के लिए प्रयासरत रहता है और समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि सरकारी नियमों में जो भी बदलाव किए गए हैं उनके बारे में रानीगंज के व्यापारियों को जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि आज के सेमिनार के दौरान एएसएपी टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा व्यापारियों को ई इनवाइस, ई वे बिल सहित सरकार की ओर से भी कई नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई ताकि रानीगंज के व्यापारियों को अपने व्यापार को जारी रखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में दोनों आईटी कंपनी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें गौतम चक्रवर्ती, ऋतुराज मिश्रा, संजीव कुमार मिश्रा, नीलाद्री शेखा चौधरी, रामबाबू राय प्रमुख थे। वहीं टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर रीजनल मैनेजर संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस तरह के सेमिनार से रानीगंज के व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत होगी। उनको सरकार के बदलते नियमों की जानकारी होगी जिससे आने वाले समय में उनको व्यापार में कोई अड़चन नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पहले जो भी नियम थे उसमें अब तब्दीलियां आई हैं। इन तब्दीलियां उससे व्यापारियों को अवगत कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी लाभप्रद होते हैं। इस मौके पर रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सचिव मनोज केसरी के अलावा अध्यक्ष अरुण भारतीय सहित चैंबर के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। मेरा नाम जय गौड़ है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट रानीगंज ब्रांच का हूँ। नमस्कार, मैं जय गौड़ रानीगंज सी इंस्टीट्यूट का पास्ट चेयरमैन रह चुका हूँ। आज मैं चेयरमैन के हिसाब से या सीए के हिसाब से बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं रानीगंज का एक नागरिक और अकाउंट्स यूज करना या अकाउंट्स में जो समस्या होता है उसके लिए बात करना चाहता हूँ। जो आज का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, विशेषकर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं कि किस तरह से आज जो इनवॉइसिंग या कोई भी तरह का लीगल रिक्वायरमेंट हो रहा है उसमें जो समस्या आ रहा है उसको किस तरह से ईजी वे में डील कर सके। तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज अपना नेतृत्व के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने आज रानीगंज के एएसपीएल नेट जो प्राइवेट लिमिटेड है उन संस्था के साथ जुड़कर और साथ ही साथ टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जब मैं एक दर्शक के रूप में देख रहा था तो मुझे लगा कि सारा सॉल्यूशन यहाँ पर है और लोगों को कम से कम परेशानी यहाँ पर होगा। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ एज ए यूज़र ऑफ सॉफ्टवेयर कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में आना चाहिए जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो और सिर्फ अकाउंटिंग और लीगल एस्पेक्ट ना देखते हुए बिजनेस ओनर को भी कैटर करें। जो बिजनेस ओनर जो कि लीडर हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं या बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा दिया जाए, डैशबोर्ड दिया जाए या फिर ऐसा कुछ हैंडल दिया जाए जिसके माध्यम से वो अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सके और बिजनेस का जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें हेल्प कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टैली है या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं वो ऐसा भी सॉफ्टवेयर में हैंडल डाले या डैशबोर्ड डाले जिसके माध्यम से डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो पाए, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में बिजनेस ओनर हमेशा घुस नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेना होता है उसके लिए बहुत सारा रिपोर्ट देखना संभव नहीं होता है। इसलिए की पॉइंट्स या इसको की फैक्टर्स बोलते हैं उसके लिए ऐसा कुछ डैशबोर्ड या कुछ रिपोर्ट जनरेट हो अपने हिसाब से, ऐसा व्यवस्था करें ताकि डिसीजन लेने में, बिजनेस डिसीजन लेने में सुविधा हो। ये करते हुए अपना बात हम समाप्त करते हैं। चैंबर के साथ कोलाबोरेशन करके रानीगंज के आप बिजनेसमैन लोग जो है एमएसएमई से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक मतलब क्या मतलब अवेयरनेस कर रहे हैं, क्या विषय में मतलब समझा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आज का ये सेमिनार जो टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एएसएपी आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और चैम्बर के जॉइंट प्रयास से हो रहा है, इसमें हम लोग का प्रयास चेष्टा रहता है कि अपने मेंबरों को किस तरह गवर्नमेंट के जो आइंस अमेंडमेंट जो चेंजेस आ रहा है उससे अवगत कराया जाए और उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का में जो तरीका है पता चले और कैसे वो आसानी से बिजनेस को अपने कर सके, तो इसी के तहत आज का ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें हम चेष्टा कर रहे हैं अपने मेंबरों को किस तरह से मैंने गवर्नमेंट का जो चेंजेस है जैसे कि ई इनवॉइस कितने ट्रांजेक्शन में लगता है, कितने करने से किस तरह का करने से क्या होगा, इसका प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं और ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आशा करता हूँ हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए और अपने चैम्बर के मेंबरों के लिए और काफ़ी मेंबर इससे लाभान्वित होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट का एक चेंजेस है कि ई इनवॉइस
कुछ 50 करोड़ में होता था पहले, उसके बाद गवर्नमेंट इसको अमेंडमेंट इस तरह कर रहा है, 50 करोड़ से 20 करोड़ आया, 20 करोड़ से फिर 10 करोड़ आया, और जैसा कि 1 अप्रैल से हम लोग सुन रहे हैं या जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि 5 करोड़ का भी जिसका ट्रांजेक्शन है वो उनको भी ई इन्वेस्ट अपने ट्रांजेक्शन में बिल जो जनरेट करेंगे उसमें लगेगा। आई टी सेक्टर से मतलब कौन कौन मतलब अधिकारी लोग आए हैं जो मतलब इस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? प्राइवेट लिमिटेड से जो ऑफिशियल्स आए हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ, गौतम चक्रवर्ती AGM जनरल प्रोडक्ट एक्सीलेंस, और ऋतुराज मिश्रा AGM, संजीव कुमार मिश्रा SRM वेस्ट बंगाल, नीलाद्री शेखर चौधरी बिजनेस मैनेजर, और मिस्टर राम बाबू रॉय, ये सब आए हुए हैं। और हमारे जो लोकल लेवल में हमारे ASAP टेक IT सॉल्यूशंस के जो दो जन मैंने मुख्यतः इस प्रोग्राम के जो चेयरमैन भी है और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में जो दिन रात मेहनत की है, श्री विकास रंजन राय और इनके पार्टनर अमित शर्मा जी ना, इन दोनों का अथक प्रयास से ये संभव हो पा रहा है। आज का प्रोग्राम बहुत सुनिश्चित एवं अच्छे तरीके से चल रहा है, इनका ही प्रयास मेहनत का नतीजा है कि आज आप देख सकते हॉल पूरा ऊपर का खचाखच भरा हुआ है और लोग इसको बहुत दिलचस्पी से रुचि दिखा के इसका फायदा उठा रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका नाम परिचय सब? मेरा नाम मनोज केसरी, सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज के कार्यक्रम को हमने ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो भी हमारे SMEs हैं, जो भी छोटे बिजनेसमैन हैं, वो घबराए नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो जो भी कंप्लाइंस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। उनकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए हमें रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैली सॉल्यूशन और हमारे CA कम्युनिटी के साथ हमने कोलैबोरेट किया ताकि उनके सारे क्वेश्चंस को, उनके जितने भी प्रश्न हैं उनको उत्तर दिया जा सके, उनके मन के जितने भी अगर उनको कुछ भी इशू है तो उनको रिजॉल्व किया जा सके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो इस सेमिनार में हम कवर कर रहे हैं। है सबको कैसे वो हैंडल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कंप्लायंस के माध्यम से दोनों। अमित शर्मा, डायरेक्टर रिसेप्टेक IT सॉल्यूशन।